सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के खड़िया बाजार में आज एक डीजल लेकर जा रहे टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। आग उस समय लगी जब टैंकर चालक ने टैंकर रोककर गाड़ी में वेल्डिंग का काम शुरू करवा दिया। इससे अचानक टैंकर में आग पकड़ लेने से एक युवक की तो मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे पास के ही एनटीपीसी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरे घायल की हालत सामान्य है। टैंकर अली नगर से डीजल लेकर सिंगरौली की तरफ जा रहा था। मुख्य हाईवे पर आग की ऊंची ऊंची लपटें देख अफरा तफरी मच गई। एनटीपीसी और एनसीएल के फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और किसी प्रकार आग पर काबू किया जा सका। इस दौरान टैंकर में भरा लगभग एक चौथाई डीजल और टैंकर के टायर आदि पूरी तरह से जल गए। शक्तिनगर जनपद सोनभद्र के अंदर का मामला है। अली नगर से डीजल लोडेड एक टैंकर वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं जा रहा था, तो वहाँ के जो ड्राइवर और उसके स्टाफ थे उन लोगों ने वहाँ रोक करके कोई उसमें मरम्मत और वेल्डिंग का काम कार्य शुरू कर दिया। तो जब डीजल लोडेड टैंकर था तो उसकी आग पकड़ ली और आग बहुत तेज़ी से भड़कने लगी, और जिसमें एक आदमी फेकू लाल जिसकी उम्र 42 साल है उसकी उसमें डेथ होना बताया जा रहा है। दूसरा आदमी केदार नाम का है, उसको गंभीर रूप से झुलसा हुआ है, उसको वहाँ एनटीपीसी के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और एक व्यक्ति की स्थिति सामान्य है, पैर में उसको झुलस लगी है पर वो उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस मौके पर पहुँच कर फायर पर काबू पा लिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।